होली के रंग में पूरा देश डूबा हुआ है। कहीं गुलाल से होली खेली जा रही है तो कहीं पर गीतों की बौछार से। हर क्षेत्र का अपना एक अलग और अनोखा ढंग है जो होली के त्योहार को पूरे देश में और ज्यादा खास बनाता है, और शायद यही वजह है कि देश विदेश से लोग यहाँ पर होली खेलने आते हैं और होली के रंग में रंग जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे देश में खेली जाने वाली अलग अलग तरह की होली के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर की टोली वाली होली के बारे में। इंदौर और बाकी मध्य प्रदेश में गेर निकलती है जो एक सामूहिक भीड़ होती है। यहाँ पर ट्रकों में भरकर लोग होली खेलने जाते हैं। पश्चिम निवाड़ में आदिवासी अनूठे ढंग का भगोरिया का खेल खेलते हैं, जहाँ बाजार में लोग तैयार होकर पहुँचते हैं और अपना पार्टनर चुनते हैं। वहीं जबलपुर के पास कटनी में होलिका दहन के बाद सूतक लगता है। वहाँ आज भी कई लोग सूतक लगने की वजह से बाल कटवाते हैं। महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं, उसके बाद होली खेली जाती है। इंदौर की होली वाकई बेहद ही खास होती है, क्योंकि जिस तरह से पूरी टोली अपने घरों से बाहर निकलकर आती है और फिर जमकर रंग गुलाल से होली खेली जाती है, ये नजारा एक अलग रंग का दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आनंदपुर साहिब के होली मोहल्ले के बारे में कुछ खास बातें। पंजाब में वैसे तो रंगों से ही होली खेली जाती है, लेकिन होली के दूसरे दिन यहाँ पर एक अनोखा महोत्सव मनाया जाता है जिसे होली मोहल्ला कहा जाता है। पहले इसकी शुरुआत पौरुष का परिचय देने के लिए करी गई थी, जहाँ पुरुष तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे अलग अलग तरह से कर्तव्य दिखाते हैं। ये एक तरह का नकली जंग होती है जो पूरे 3 दिनों तक चलती है, लेकिन अब यहाँ महिलाएं भी हिस्सा लेने लगी हैं। पंजाब में होली को माफ करने और गिले शिकवों को भूल जाने वाला पर्व माना जाता है। पंजाब में बाकी हिस्सों में गुलाल और गीले रंगों से होली खेली जाती है। ब्रज की लठमार होली। भारत की सबसे मशहूर ब्रज की होली की परंपरा 5000 वर्ष पुरानी है। नंदगांव, जहां पर कृष्ण पले बढ़े, और बरसाना जो कि राधा का गांव था, की होली को ब्रज की होली कहते हैं। इसकी शुरुआत यूं तो वसंत से हो जाती है, पर रंग रंगीले त्योहार का उल्लास अपने चरम तो तब छूना आरंभ करता है जब ब्रज के रसिया गोपियों को होली का न्योता देते हैं। मतवारो फागुन जाए, तनिक रसिया से बतरा ली जाओ। मथुरा शहर से करीब 82 किलोमीटर दूर बसे राधा जी के गांव बरसाना में शुक्ल पक्ष की निवामी को एक अनोखी होली खेली जाती है, जिसका नाम है लठमार होली। इस परंपरा में जो रस है उसे स्थानीय गोस्वामीगढ़, उनके परिवार संतगढ़ व ब्रजवासी प्रस्तुत करते हैं। नंदगांव के गोप लाडली जी यानी राधा के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, और बरसाने की गोपियां उन पर लठों की वर्षा करके उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं। ना कोई हार जीत, ना कोई खींच, बस आनंद ही आनंद, माधुर्य ही माधुर्य। राधा बनी बरसाने की हुरियारिनों के सामने नंदगांव के गोपों को किसी भी तरह के विरोध करने की इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सिर्फ अपनी ढाल से हुरियारिनों के लठों की चोट को बचाना होता है और गुलाल छिड़क कर चकमा देना होता है। पकड़े जाने पर न केवल उनकी जमकर पिटाई होती है, बल्कि महिलाओं जैसा श्रृंगार करके उन्हें बीच भवन में नचाया भी जाता है। इस दौरान चारों ओर से अनवतर होली गान के स्वरों और प्राकृतिक रंग गुलाल की बारिश होती है। अगले दिन बरसाने के पुरुष नंदगांव जाकर वहां की गोपियों पर रंग डालने की कोशिश करते हैं। होली का ये उत्साह 7 दिन तक चलता है।
अब बात करते हैं दक्षिण की होली की। वैसे तो दक्षिण भारत में होली उतना बड़ा त्योहार नहीं है, पर वहाँ भी होली मनाई जाती है। दक्षिण भारतीय राज्यों में होली को कामदेव की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। कामदेव और उनकी पत्नी रति की दुखद कहानी पर आधारित कई लोक गीत है। तमिलनाडु में होली को कामदहनम कहा जाता है। केरल के मलयाली भाषी तो होली नहीं मनाते, पर वहाँ रह रहे तमिल भाषी लोग होली खेलते हैं। वो होली को मंगल कुली कहते हैं। मंगल यानी हल्दी और कुली का अर्थ है स्नान। वहीं हैदराबाद में 2 दिनों तक होली मनाई जाती है। अब बात करते हैं कोलकाता का डोल जत्रा। बंगाल में होली को डोल पूर्णिमा या डोल जत्रा कहा जाता है। होली के दिन शहर में राधा कृष्ण भी शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान कृष्ण और अग्निदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद कृष्ण प्रतिमा को गुलाल लगाकर त्योहार की औपचारिक शुरुआत की जाती है। होली को डोलोत्सव भी कहा जाता है, जिस दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा को सजाए धजाए झूले पर बिठाकर रंग लगाया जाता है। हालांकि अब शहर में होली मनाने का पारंपरिक तरीका काफी कुछ बदल गया है, पर वहीं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में आज इसे खास ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। शांति निकेतन के विद्यार्थी केसरिया रंग के कपड़े और गले में फूलों की माला पहनकर आते हैं। अपने शिक्षकों के सामने नृत्य का प्रदर्शन करने के बाद गुलाल और अबीर से होली खेलते हैं। अब बात करते हैं नंदूरबार की रजवाड़ी होली के बारे में। महाराष्ट्र के नंदूरबार जिले की अक्कलकुआ तहसील के काठी नामक गांव में आदिवासी समाज रजवाड़ी होली का उत्सव मनाते हैं। होली के दिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके के लोग खाटी का रुख करते हैं। वो सभी अपने पारंपरिक परिधान पहनकर लोक विधियों की धुन पर नाचते गाते हैं। काठी में होली खेलने की ये परंपरा 770 वर्षों से अधिक पुरानी है। दरअसल वर्ष 1246 में यहाँ राजा उमेद सिंह ने आदिवासी राज की स्थापना की थी। अब बात करते हैं बनारस में विधवाओं की होली के बारे में। रंग भरी एकादशी से शुरू होने वाली बनारस की होली यूं तो काफी लोकप्रिय है। लोग विशेष रूप से इसे देखने आते हैं। घाटों पर भांग खाने और होली गायन की बनारसी परंपरा बहुत पुरानी है, पर पिछले कुछ सालों से बनारस होली के दौरान विधवाओं द्वारा खेली जाने वाली होली के लिए चर्चा में आता है। काशी में सुलभ इंटरनेशनल विधवाओं की होली का आयोजन करता है। पिछले वर्ष 80 घाट पर विधवाओं ने फूलों और अबीर से होली खेली। विधवाओं की होली बनारस के साथ साथ वृंदावन की भी पहचान बनती जा रही है। घाटों पर भांग खाने और होली गायन की बनारसी परंपरा बहुत पुरानी है, पर पिछले कुछ साल से बनारस होली के दौरान विधवाओं द्वारा खेली जाने वाली होली के लिए भी चर्चा में आता है। इसी कड़ी में अब बात करते हैं अल्मोड़ा की संगीतमय होली के बारे में। उत्तराखंड में आमतौर पर 2 तरह की होली होती है, पहला बैठकी और दूसरा खेड़ी होली। यहाँ होली खेलने वाले टोली को होलियार कहा जाता है। न केवल अल्मोड़ा बल्कि पूरे उत्तराखंड की होली संगीतमय होती है। यहाँ बैठकी होली में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो वहीं खेड़ी होली में लोग गीत गाते गाते गुलाल खेलते हैं। कुमाऊनी, गढ़वाल और हिंदी भाषा के गाने आमतौर पर यहाँ होली में गाए और सुनाए जाते हैं। यहाँ महिलाएं बारी बारी से एक दूसरे के घर होली का आयोजन करती हैं। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। यहाँ पकवान में आलू के कुटके और भांग की चटनी बहुत प्रचलित है। यहाँ 5-6 दिन तक होली मनाई जाती है। अब बात करते हैं उदयपुर की शाही होली के बारे में। उदयपुर में रॉयल अंदाज में होली मनाई जाती है। यहाँ सजीले घोड़ों और रथों के बीच होली की रैली देखने लायक होती है।
लोक नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है और राजमहल में होलिका दहन की जाती है, जहां शहर के तकरीबन सभी लोग दूर दूर से आए सैलानी आते हैं। वहीं जयपुर में हाथियों को सजाकर समारोह का आयोजन किया जाता है, जो आजकल एलिफेंट फेस्टिवल के रूप में काफी चर्चित है। इस कड़ी में अब बात करते हैं पटना का फगुआ के बारे में। हार की राजधानी पटना भोजपुरी होली का केंद्र है। भोजपुरी भाषियों की होली बड़ी निराली होती है। होली के तमाम गाने होते हैं। होली के मौके पर गाए जाने वाले गानों को फगुआ कहते हैं और होली को भी फगुआ नाम से ही जाना जाता है। यहाँ रंगों से नहीं कीचड़ से भी होली खेली जाती है। छक्कर भांग पीते हैं, भोजपुरी लोक गीतों और फिल्मी गीतों पर झूमते हैं। यहाँ भी कपड़ा फाड़ होली खेलने का चलन है।